वहीं इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशियों के नाम पर लगातार मंथन जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर अंतिम निर्णय ले सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार प्रत्याशियों के नाम पर कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर प्रत्याशी अभी तक तय नहीं हुआ है। कांग्रेस बीते दो दिनों से लगातार इसको लेकर बैठक कर रही है। कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर अब अपना अंतिम निर्णय लेता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। इसको लेकर तमाम बैठकें की जा रही हैं। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र के लिए टिकट की भी पैरवी की जा रही है। ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र के लिए टिकट की पैरवी भी की जा रही है और लगातार प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बीते दो दिनों से इसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बैठक की जा रही है और अभी तक हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, जिसको लेकर अब कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर अपना अंतिम निर्णय ले चलता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि हरीश रावत खुद लोकसभा चुनाव लड़े।